हेलो भाई, मैं अरुण पवार। यह है स्कॉर्पियो S11 जिसमें कुछ 2197 सीसी का इंजन, 140 bhp पावर निकालता है, 320 nm का टॉर्क आपको मिलता है, 18 की माइलेज मिलती है। आज इसको चला के देख रहे हैं कि भाई कैसी है ये। इसका ओनरशिप रिव्यू हमने करा था, वो अगर आपने अभी तक नहीं देखा था इसको ख़त्म होने के बाद ज़रूर देखना, आपको आई बटन में उसका लिंक मिल रहा होगा। तो इसमें देखते हैं कि क्या जान मिलती है आपको। गर्मी बहुत बुरी पड़ रही है, एसी का अगर मैं बताऊं, अगर आप 18 पे करते हैं और फैन स्पीड आपकी कम रखती हैं तो आपको इतनी ज़्यादा कूलिंग नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप इसको कूलिंग मतलब फैन स्पीड बढ़ा देते हैं तो कूलिंग इसमें बढ़िया आ जाती है, लेकिन वही नॉइस कैप्चर होगी, इस वजह से मेरे को ये कम रखनी पड़ रही है। अब देखते हैं भाई सेकंड गियर में, ये गियर लीवर इसका कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ जाता है और बोनट वगैरह मेरे को पूरा नज़र आ रहा है इसका। आज हम देखेंगे कि कैसी चलाने में मेरे को लगती है और अब देखते हैं भाई क्या सीन है। रोड खाली है, मतलब आपको इंजन की नॉइज़ केबिन तक बहुत ज़्यादा आती है अगर आपने 2500 या 3000 rpm एकदम से क्रॉस की है, लेकिन एक जो SUV वाली फील है ना वो आपको जम कर आती है भाई स्कॉर्पियो में। जैसे मेरी आंखों के सामने जस्ट कैमरा है, मेरे को पूरा कुछ नज़र आ रहा है, 6 feet पे अगर मेरी हाइट है तो सारा कुछ बोनट वगैरह कितना रहेगा, ये सब चीज़ें मेरे को कार में दिखती हैं। 6 gear आते हैं इसमें, ये आप देखें। अब इसका हम 0 to 100 वगैरह भी करेंगे। ब्रेकिंग की अगर मैं बात करता हूँ कार की, तो ब्रेकिंग सही है यार, बस थोड़ी सी ये जो है नीचे की तरफ लगती है, बाकी ब्रेकिंग ठीक है। गियर नो थोड़ा ज़्यादा लंबा है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। चलो भाई यू टर्न लेते हैं। टर्निंग रेडियस की अगर हम बात करें तो देखते हैं कितने एरिया में मुड़ जाती है यार। बहुत एरिया चाहिए इसको सीरियसली मुड़ने के लिए। नहीं, एरिया कम चाहिए भाई, पहले वाले में ज़्यादा, इसमें तो बहुत बहुत अच्छा दे दिया है। अच्छा, कैमरा वगैरह टॉप वेरिएंट हम चला रहे हैं, सब कुछ इसमें आता है। ये है 2018 वाली स्कॉर्पियो, इंजन में बस चेंज जो है वो BS6 हो गया है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है, थोड़ा प्राइस बढ़ गया। अब देखते हैं भाई 0 to 100 कार का कितनी देर में हो जाती है। थोड़ा डीजल इंजन है ना तो आपको ये 7000 तक मार्किंग मिलती है, लास्ट जाएगी 4500 तक, क्योंकि 5 के बाद रेड मार्किंग स्टार्ट है। पिकअप देखते हैं भाई, कितना जबरदस्त पिकअप आपको इसमें मिलता है। चल कर बस मोड़, 2000 rpm लॉन्च करूंगा, 4000 rpm मैंने दूसरा गियर शिफ्ट करा, थर्ड गियर टच कर गई भाई, 4500 rpm के बाद कार का इंजन बोल जाता है, देख सकते हैं आप भाई। कार मतलब पिकअप के मामले में तो भाई बहुत ज़बरदस्त पिकअप आपको देती है, यही कहूँगा मैं तो। सेफ्टी के लिहाज से अगर इतनी स्पीड में आपका अगर ये ठुकती है कार तो मुश्किल चांस है, क्योंकि ग्लोबल एंड कैब ने इसको 0 star दे रखे हैं। अब कोई भाई बुरा ना माने जो स्कॉर्पियो ले रहा है, भाई चलाने वगैरह में बहुत बढ़िया है। अब सेफ्टी के लिहाज से जो ओनर है उनसे आप एक बार भाई क्या कहना चाहोगे सेफ्टी के बारे में, दोबारा से एक बार बता दो भाई। देखो सेफ्टी अपने हाथ में है, बिल्कुल भाई। अब ऐसे रोड पे अगर हम ये सब काम करेंगे तो वो हमारी गलती है ना फिर, है ना। आप इसको 80-100 पे भी चलाओगे तो कंट्रोल हो जाएगी गाड़ी, ऐसी कोई बात नहीं। सस्पेंशन की बात को चोट नहीं लग पाएगी, बट वो है कि बॉडी थोड़ी हल्की है तो भाई थोड़ी बहुत चोट तो। अच्छा, 2 airbag आते हैं भाई इसमें, कभी आपको ऐसा लगता है कि यार 6 airbag बिना सीट बेल्ट एयरबैग खुलते नहीं है, खुलते तो आपकी सीट एयरबैग खुल तो जाते हैं। वो जब हैवी चोट लगती है ना, एक पिन होती है उसकी वजह से खुलते हैं एयरबैग भाई। अच्छा, इसमें बज क्या रहा है भाई, ये भाई कोई रैटलिंग नॉइज है क्या इसमें भी? नहीं। देख अभी हमने इनोवा ड्राइव करी थी उसमें तो बिल्कुल नॉइज नहीं है, रैटलिंग नॉइज। अच्छा, तो भाई कार भगाने में तो बहुत ही बढ़िया रियलिटी में। कैसे है मुझे कुछ ना मजा तो है यार भाई। आज सीरियसली मेरे को पता लग रहा है कि लोग क्यों स्कॉर्पियो को प्रेफर करते हैं। फिर इंटीरियर भी तो अच्छा दे दिया क्या भाई। इंटीरियर तो खैर यार, जो आज की गाड़ियां हैं उनके अगर मुकाबले में बात करें तो इतना तो खैर नहीं है अब भी, लेकिन ओल्ड स्कॉर्पियो से इसको कंपेयर करना हाँ, भाई वो तो अच्छा है यार, बाहर से भी अच्छे चेंज कर रहे हैं, लेकिन अब जो 2020-21 में आने वाली स्कॉर्पियो है उसमें जरूर से बहुत तगड़ी चीजें लाने वाली हैं, ये निश्चित है। क्योंकि यार इस स्कॉर्पियो में बस कभी ग्रिल चेंज कर रहे हैं, कभी लाइट चेंज कर रहे हैं तो उससे बात नहीं बनती ना। अब जो 2020 वाला फेस लिफ्ट है लोगों को उसका इंतजार है कि उसमें क्या है देते हैं।
क्योंकि आज की गाड़ियों के सामने अपडेटेड हो चुकी है। क्रेटा का देखो, हेक्टर का देखो, या हैरियर का देखो, बहुत स्टाइलिश है फीचर्स भी उसमें, पैनोरामिक सनरूफ सब कुछ दे दिया। लेकिन सस्पेंशन की बात करें तो ठीक है। अब देखो मैं इनोवा भी ड्राइव करके आया था, इस भाई के पास ही इनोवा है, एक शादी में आए हुए हैं हम तो सारी गाड़ियाँ आ रखी हैं, तो उसके लेवल के तो सस्पेंशन इसमें बिल्कुल भी नहीं है, मतलब उस लेवल का कंफर्ट तो इसमें बिल्कुल नहीं मिलता आपको। लेकिन ठीक है, दस्कियाँ वगैरह आपको ज़रूर लगती हैं इसमें, और भाई ने रिव्यू में भी इसका कार का बताया था कि इनोवा जैसा कंफर्ट में स्वाद नहीं है, लेकिन पिकअप वगैरह में स्वाद सही है, और कार फटाफट मांग लेती कि भाई गियर अप करो। लेकिन मेरे को लग रहा है भाई कार बजा दिया आपने ये साल थोड़ी बहुत बहुत ज्यादा आवाज कर दी है। सामान पड़ा हो वो मैं अलग कह नहीं सकता, लेकिन सामान पड़ा है देख। इसमें भाई डंडे वगैरह पड़े हुए हैं भाई पीछे, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, चल दिख के। बाकी तो भाई कार चलाने में तो बढ़िया, माइलेज क्या दे देती है भाई संदीप? ये भाई आपके नोकल में 14 तो आप 14-15 निकाल रहे हैं आराम से, आप लंबे रूट पे आराम से अच्छे से कार ड्राइव करोगे तो भाई 18 दे देती है, 18-19 आराम से। जो बात मैंने शुरू में बोली थी ना कि अगर आपका फैन वन पे हो तो कूलिंग नहीं है यार, भाई भाई कूलिंग है बट बहुत गर्मी भी तो बहुत बहुत हाई लेवल की पड़ रही है, फैन स्पीड कम करके तो नहीं भाई सीट को। ब्रेकिंग की और चेक कर लेते हैं भाई, ब्रेक कैसी मिलती है कार में? ए पकड़ ले 80 की स्पीड पे यार, सही ब्रेक है यार, ब्रेक तो सही है, ऐसा नहीं लगता ईवीएस की किन कर रहा है, मतलब जो रुक रुक के ऐसी चीज़ तो नहीं है, या तो स्पीड हमारी इतनी नहीं हो रही है। मैं चेक करना चाहूँगा, पीछे कोई नहीं है, रोड खाली है ये ना, अभी इस वजह से मैं कर रहा हूँ, वरना मैं बिल्कुल भी इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करता। टार स्केटर नहीं होते भाई, बहुत ज़बरदस्त है यार, सही ब्रेकिंग है यार, मतलब ऐसा नहीं है कि 80 की स्पीड पर एकदम से रुक जाएगी कार, थोड़ी 100 मीटर तो जब भी चलेगी। टाइट ब्रेकिंग या अगर आप करेंगे, और इसमें वो मेरे ख्याल से वो फीचर नहीं है इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल का, जो आप पैनिक ब्रेकिंग करते हैं तो वो इंडिकेटर वगैरह ब्लिंक करने लग जाते हैं, वो चीज़ पर सही है यार। कार ओवरऑल एक सही पैकेज आपको ऑफर कर देती है, 7 सीटर आपको मिल रही है, और जैसा कि भाई ने बताया था, किसकी पसंद है भाई ये? जाटो की पसंद है भाई, जाटो की पसंद है भाई, और गुजर हो गए और भी काफ़ी बरादरी हैं जो हाँ बहुत पसंद की जाती है देसी इलाकों में, हरियाणा में ज्यादातर स्कॉर्पियो दी। कोई क्रेटा वरेटा, कोई अगर 17-18 लाख रुपए किसी के जेब में तो कोई क्रेटा वरेटा हो, चाहे कुछ पैनोरामिक सनरूफ हो, चाहे सनरूफ। मैं तो आपको भी इस बोलूंगा भाई क्रेटा मत लो, उनको कोई मतलब नहीं, या तो बोलेरो लेंगे कम बजट है 8-9 लाख का है भाई, या तो बोलेरो या फिर बोलेरो नहीं बोलूंगा भाई। यार पैसे वालों की बात नहीं कर रहा ना मैं, जिसका 8-9 लाख का बजट है, जिसको एक प्रॉपर SUV चाहिए उस बजट में, कॉम्पैक्ट SUV तो यार नेक्स्ट में आपको कुछ नहीं मिलेगा भाई, पॉइंट तो समझो भाई हमारा। तो भाई ये था स्कॉर्पियो का मेरा ड्राइव एक्सपीरियंस, अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। बाकी आप क्या देखना चाहते हैं, मैं क्या क्या पॉइंट्स कवर करूं, अगर एक कार ड्राइव करता हूं तो वो मेरे को ज़रूर बताएं कमेंट्स में, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो। भाई यहीं तक आज अपना सफ़र था स्कॉर्पियो के साथ, कार बढ़िया है चलाने में भी और वैसे भी लुक वाइज भी सही लगती है। वीडियो देखने आपका धन्यवाद, पसंद आए तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, थैंक यू सो मच। सब सही है ना, तो काट दियो ना। हाँ वो तो मैं बेकार ने काट ही दूंगा ना, वैसे सही सही बोल रहा, सही बोल रहा हूँ मैं।